हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बनाएंगे मसाला भिंडी। मसाला भिंडी तो बहुत तरीके से बनता है, पर आज हम लोग सरसों वाला मसाला भिंडी बनाएंगे। तो सबसे पहले भिंडी को धोकर साफ करके छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिए हैं। अब हम इसका मसाला रेडी कर लेंगे। एक जार लेंगे, उसमें एक बड़ा चम्मच जीरा और 5 से 7 काली मिर्च, 1.5 चम्मच सरसों, पीला सरसों है, आप चाहे तो राई डाल सकते हैं, 12 से 15 लहसुन की कली है, और ज़रा सा पानी डालकर इसका बारीक पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट हमारा रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब हम इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। गैस पे एक कढ़ाई चढ़ाएंगे और उसमें 2 बड़ा चम्मच सरसों तेल डालेंगे। सरसों तेल की जगह आप कोई भी तेल यूज कर सकते हैं। 1 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच राई, दोनों का कलर चेंज हो चुका है। अब भिंडी जो कट करके रखे हैं उसको डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। भिंडी में लिसलिसापन होता है, तो इसको दूर करने के लिए हम लोग 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और 1/4 चम्मच नमक डालेंगे। बिना ढके ही इसको हम 4 से 5 मिनट तक भूनेंगे। पाँच मिनट हो चुका है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से भुना चुका है और कोई लिसलिसापन नहीं है इसमें। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। सेम कढ़ाई में हम 2 बड़े चम्मच फिर से तेल डालेंगे कढ़ाई में, और 1/4 चम्मच जीरा और 1/4 चम्मच राई डालेंगे। राई को तड़कने देते हैं, तड़क चुका है आप देख सकते हैं। अब इसमें 2 सूखी लाल मिर्च डालेंगे और हल्का कलर चेंज होने देंगे। अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच बेसन डालेंगे और फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे, और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, और जो मसालों का पेस्ट बनाकर रखे हैं उसको डालेंगे। ज़रा सा पानी डालकर कटोरी को खंगार कर डाल लेंगे। मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। नमक हम पहले भिंडी में डाले हुए हैं उसी के अनुसार यहाँ पे नमक डालेंगे, और 1 चम्मच अमचूर पाउडर डालेंगे और मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मसाला बहुत अच्छे से पक चुका है, इसमें तेल अलग होने लगा है मसालों से। अब हम जो भिंडी फ्राई करके रखे हैं उसको डालेंगे। भिंडी हमारा बहुत अच्छे से फ्राई हुआ है और मसाला भी अच्छे से भुना चुका है, तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ढककर हम इसको 3 से 4 मिनट और पकाएंगे। ये तो सूखा बना रही हूँ, अगर ग्रेवी आपको चाहिए तो यहाँ पर पानी, आप गर्म पानी यहाँ पर डाल सकते हैं, और डालने के बाद 4 से 5 मिनट पका लीजिए, आपका ग्रेवी वाला भी सरसों मसाला भिंडी बनकर रेडी हो जाएगा। 3 से 4 मिनट हो चुका है, अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। चलिए अब हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। बहुत ही टेस्टी बना है, इसको रोटी पराठे या चावल दाल के साथ सर्व कीजिए, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।